हेलो फ्रेंड्स, मुँ बिरेन आपको बिरेन्स एकाडेमी स्वागत करुच्ची। एपिटेड आम देखिया फ्राक्शन एटा पार्ट टू। एपिटेड देखिए आम आडिशन और फ्राक्शन कौन कौन सब तार प्रोब्लेम रोच प्रिवियस प्रोब्लेम मुझे किसी आनी आडिशन और फ्राक्शन से गुड़ाक आम सल्व करवा सो आडिशन और फ्राक्शन फर्स्ट प्रोब्लेम मुझे सल्व कर सपोज क्वेश्चन अच्छे ये के ना 7 4 by 3 + 2 2 by 3 तो यहाँ कमी करवा देखते यटा को मुझे ट्रिक सहित कहि के करे सो यटा कौन कर कि ना ये 3 × 7 + 4 कर दरकार नहीं ये 7 अच्छी ये 2 अच्छी 7 + 2 कले प्लस तापर कौन कले कि 4 by 3 + 2 by 3 सो 7 + 2 9 प्लस ये कौन करवा ना 3 तो जी एलसीएम डिनोमिनेटर सेम अच्छी सो 3 ये कैसे 6 सो आम आंसर के 9 6 by 3 जो चाहिए 3 काटिदे 2 रे तो कैसे 18 तो आम आंसर के 18 तो ये थी गोटे छोट सिंपल प्रॉब्लम यापर मुझे डिफिकल्ट लेवल प्रॉब्लम बुझेबी बहुत इजी हम करवा चल टे डिफिकल्ट लेवल प्रॉब्लम करवा सपोज क्वेश्चन अच्छे कैसे आ गोटे से सीम्पलटे आ गए कर 9 सपोज अच्छे 9 5 by 7 + 5 3 by 7 तो ये क्वेश्चन अच्छे आम कम करवा सेम थिंग्स 9 + 5 के 14 + 5 by 7 + 3 by 7 सो के 14 × + ये कहते हैं जो 7 एलसीएम जो 7 ये जो कहते 5 × 3 = 8 by 7 सो 14 8 by 7 सो यहाँ हम तरह आंसर ओके सो नेक्स्ट कौच आप गोटे प्रॉब्लम टिके डिफिकल्ट लेवल प्रॉब्लम दूँ सपोज क्वेश्चन अच्छे कहते 3 1 by 3 + 4 1 by 2 + 1 1 by 4 + 2 1 by 2 देखते एक आम कमी कर प्रोब्लेमटा सिंपल ट्रिक्स करवा रिजल्ट सेम आसो कि असुविधा हेनी देखो प्रथम कौन करवा ना ये गोटे गोटे लिखद 3 + 4 + 1 + 2 लिखले तपर कत लिखा 1 by 3 + 1 by 2 + 1 by 4 + 1 by 2 ओके एमती गले यहाँ कौन करवा आड करदे 4 + 3 7 7 + 1 8 8 + 2 10 प्लस रहा ये देख सो 1 by 2 1 by 2 अच्छी ये दुटा आड करदे ये 2 by 2 + 1 by 3 + 1 by 4 ओके सोटा कैसे 10 + यार एलसीएम के आम एलसीएम हो 2 3 4 एलसीएम के 12 जो एलसीएम 12 गला एलसीएम केमती एलसीएम काटे देखो 2 3 4 अच्छी 2 1 2 3 2 सो 2 1 2 3 6 + 2 12 सो एलसीएम के 12 गला एलसीएम 12 2 गला 6 6 2 = 12 प्लस 12 3 4 4 1 = 4 + 3 सोटा कहते कमी हम 10 + 16 + 19 सो 19 by 12 सो आंसर कहते हम 10 19 by 12 हम आंसर से बुझे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कमी सल्व करवा नेक्स्ट आए डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन नौ जोटा कि आम अच्छे के 33 by 3 by 7 + 145 2 by 7 + 9 2 by 7 एमती क्वेश्चन टा अच्छे सो यहाँ कमी सल्व करवा सेम मेथड अप्लाई करवा 33 + 145 + 9 यहाँ है 3 by 7 + 2 by 7 + 2 by 7 एमती अच्छी सो देखो तीन टाक आड करदे 33 +
145 + 9 = 144, सो इट इज 187। ये तो 7 डिनोमिनेटर सेम अछि तो 7 एटा को ऐड कर देबा 6, तो आंसर के तबो 187 6/7। बुझ पाइले? सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिवा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन केन बि सॉल्व करिवा देखंतु। सपोज क्वेश्चन अछि एठी केते ना, क्वेश्चन अछि 13 3/4 प्लस 17 2/7 प्लस 31 1/4 प्लस 15 5/7। सपोज एमती क्वेश्चन अछि, सो एटा हम केमती सॉल्व करबा, सेम मेथड अप्लाई करबा, 13 प्लस 17 प्लस 31 प्लस 15 लिखले, लिखला परे प्लस कत लिखिया 3/4 प्लस 2/7 प्लस 1/4 प्लस 5/7। सो ये रहला, सो तीन तक हम ऐड कर देबा, 13 17 केते हुए 30 प्लस 61 61 प्लस 15 जे 86। सो ये हैला 86। एटा को देखंतु, ये अछि 7 7, सो एलसीएम 7 गले एटा केते जइबा, एटा 5 प्लस 2 7/7 प्लस ये केते जइ 4 4 हे जइछि 3 4/4, सो एटी केते जइबो 86। ये 7 7 1, ये 1 1 2, सो 86 प्लस 2, तो आंसर केते हो 88। सेम बुझि पड़ते। चलंतु नेक्स्ट देखिबा केन करिबा, आउट ऑफ प्रॉब्लम न होछि। एटा त सब थिला एडिशन, एबा हम सिखिबा सबट्रैक्शन। फ्रैक्शन न सबट्रैक्शन केमिति करिबा, सबट्रैक्शन सेम मेथड यूज हबो, अपन गोटे दुईटा प्रॉब्लम करिवि। सो सपोज क्वेश्चन अछि एटी केते 5/8 इक्वल टू 3/8, तो डिनोमिनेटर सेम अछि, तो केमिति करिबा 8/5/3 जे केते हबो 2/8, 2/8 के हम लिख परिया भी कते नेक्स्ट फ्रैक्शन 1/4। ओके, सो नेक्स्ट आउट क्वेश्चन देखौ छी। सपोज अछि केते अछि 8/9 - 3/5, एठी मु कहि छले क्रॉस करिया 5 × 8 = 40, 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, सो 40 - 27 हाउ मच 13, सो आंसर विल बी 13/45। ओके, सो आ किछि लेवल टिके बढ़ेगा फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में, फ्रैक्शन न प्रॉब्लम र। सपोज एटी क्वेश्चन अछि केते ना, सपोज क्वेश्चन अछि 46, सपोज क्वेश्चन अछि तरी ना 46 2/9 - 14 5/3 - 21 4/9। सपोज एमती क्वेश्चन अछि, त हम केमती करबा, सेम मेथड अप्लाई करबा, 46 - 14 - 21, एमती कले कोन होई गी ने एग्जाम रे टाइम बहुत कम लगे, -5/3 - 4/9, सो एमती अछि। सो बर्तन आब केमती हम करबा देखंतु, 46 - 14 जगते 46 - 14 32, 32 - 21 जे केते 11, 11 माइनस रहला एठी केते 9 9 अछि, सो 4 2 - 4 जे केते जो -2/9, ये केते जे बटी -5/3, सो एठी केते ला 11 माइनस ये 9 9 3 रा एलसीएम केते जो 9 गले, ये केते जो -2, ये केते जो -15, सो 11 -2 - 15 जे -17/9, ये कते जो --+, तो 11 + 17/9 जे कते आंसर 11 17/9 हो आंसर। से बुझ पाते? आउटेड क्वेश्चन देखौ छी, आउटे क्वेश्चन कोन अछि ना, सपोज एटी कते अछि ना, सपोज अछि 12 2/5 + 7 1/2 - 8 2/3। ओके, सो सेम मेथड करिबा, 12 + 7 - 8, सो एटी कते लिखिबानी 2/5 + 1/2 - 2/3,
सो ये कहते हैं जो 12 प्लस 7 19, 19 माइनस 8 जो है 11, माइनस 2 बाई 5 2 3, तो एटी एलसीएम कहते जो हमारा ना 5 2 3 अच्छी एलसीएम एटी कहते ना हमें 5 2 3 एलसीएम कहते जो एटी 30, एलसीएम गला 30, 30 गला एटी 15 12 एटी कहता वो 15 एटी कहता वो 10 20, सो 11 माइनस कहता हूँ जो 12 प्लस 15 37, 37 माइनस सॉरी 12 प्लस 15 27 माइनस 20 से 7, 7 बाई 30, सो आंसर एट कहता है हमारा वो 11 7 बाई 30 अब हम आंसर। ओके सो ये तो थी किसी सब्ट्रैक्शन ना। अब हम देखिए फ्रैक्शन ना मल्टीप्लिकेशन केमती करवा, देखो तो फ्रैक्शन ना मल्टीप्लिकेशन केमती करवा ट्रिक्स द्वारा हमें करवा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन केमती करवा ना फ्रैक्शन ना मल्टीप्लिकेशन। सपोज क्वेश्चन अच्छे 70 डिवाइड बाय 6 इंटू 12, तो आपको हमें केमती करवा देखो ये हूँ दुटा मेथड रही पारे। सो नहीं एक क्वेश्चन नहीं कि आउट क्वेश्चन नवा सपोज ये अच्छे कहते 11 4 बाय 6 हमको मल्टीप्लाई करवार अच्छे कहते 12 12 मल्टीप्लाई करवार अच्छी तब मैंने ये हमें कौन बुझे 11 टा भी 12 सहित मल्टीप्लाई हे 4 बाय 6 भी 12 सहित मल्टीप्लाई हे मैंने एमती 11 इंटु 12 प्लस 4 बाय 6 इंटु 12। ओके सो ये कौन हम 11 इंटु 12 जो कहते 132 प्लस 6 2 सो 4 2 8 सो आंसर कहते हैं 140। ओके सो सपोज मुझे ट्रिक्स करी ट्रिक्स कले कहते हैं देखो 6 6 इंटु 11 66 प्लस 4 तो 70, 70 बाय 6 इंटु 12 सो ये काटिदेवी तो कहते हैं 140। ए मेथड करेंगे ए मेथड भी करेंगे जो मेथड सुइटेबल लगे से मेथड करेंगे। सो आउ किसी मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम करवा सपोज क्वेश्चन अच्छे कहते ना 18 4 बाय 6 इंटु 18 2 बाय 3 सपोज एमती क्वेश्चन अच्छे केमती करवा देखो तो ये क्वेश्चन को आम दि बाटर करमती करवा 18 6 जा कहते 108 प्लस 4 112 डिवाइड बाय 6 प्लस 18 अच्छी कहते हैं अच्छी 19 3 जा 54 प्लस 2 56 56 बाई 3 है गला सोटा को आम काटा द्वारा 2 रटले 56 2 रटले कहते 3 सो ये कहते हैं ना 56 बाय 3 इंटु 56 बाय 3 सो एटा कहते हैं ना 56 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर सो मुझे 56 स्क्वायर केमती काटती 5 इंटु 6 इंटु 2 जो कहते हैं ना 60 सो 5 स्क्वायर 25 6 स्क्वायर 36 गोटे छाड़ी लिखा ये कहते 06 आड करदे 6 3 1 3 सो आम आंसर कहते हम 3 1 3 6 आंसर हम कहते 3 1 3 6 डिवाइड बाय 9 3 स्क्वायर 9 सो यहाँ आम आंसर। सो सपोज जदि मुझे ट्रिक्स कर देखी तेल ट्रिक्स कमी हम देखो सपोज ये क्वेश्चन के 18 4 बाय 6 18 2 बाय 3 सपोज आम ट्रिक्स करवा ट्रिक्स कले कहते कम करवा ना 18 आम करवा ना गोटे इंटु 19 करदे गोटे जस्ट आड करदे ये कहते अच्छे 4 बाय 6 इंटु 2 बाय 3 सेमती रही किसी प्रॉब्लम नहीं 18 इंटु 19 कर तो ये कमी करवा 18 प्लस 18 प्लस 1 19 ये तो जमती रहा 2 3 2 2 4 तो ये कहते जो 4 बाय 9 ये रहा ये 4 बाय 9 रहा तो यहाँ कमी हमें करवा 18 इंटु 18 जे कहते 324 प्लस 18 सो 324 प्लस 18 जे कहते हूँ ये ना ये कहते हैं जो 342
এটি কত আছে 4/9, সো 342 4/9 আমার আনসার হব। সো এই মেথডটা কবি এই মেথড আমি করিপার। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ୍ ଶିଖଉଛି, ସପୋଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି ଅଛି କେତେ ଅଛି 6 3/5, ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଅଛି 6 2/5। ଓକେ, ସୋ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମ୍ ମେଥଡ଼ଟା କରିବା। 16 କେତେ କହିଥିଲି, 16 × 17 ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ ଦେବେ, ଏଠି 3/5 × 2/5, ସୋ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ 6/25। ଓକେ, ସୋ ଏଠି ଆମେ କେମିତି କେମିତି କରିବା, 6 16 + 1, ସୋ 16 16 ଯେ କେତେ 196, ସରି 256 ପ୍ଲସ୍ 16, ସୋ 256 ପ୍ଲସ୍ 16 ଯେ କେତେ ହୁଏ 272, ସୋ କେତେ ଅଛି 6/25। ତ ଏଇଟା ହେବ ରେଜଲ୍ଟ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଆସାନ ଟ୍ରିକ୍ସ, ଇଜି ୱେରେ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା କିଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ର, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଭିଜନ୍ର। ଡିଭିଜନ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡିଭିଜନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ସୋ ଡିଭିଜନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କେତେ କେମିତି କରିବା। ଡିଭିଜନ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କିଛି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯିଏକି ସପୋଜ୍ ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା 1/2 ଡିଭିଜନ୍, 1/4 ଡିଭିଜନ୍, 1/8 ଡିଭିଜନ୍, 1/16। ସୋ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଦେଖ ଡିଭିଜନ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ସୋ 1/2 ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ, 1/2 ରହିଲା, ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 4/1, ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 8/1, ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 16/1, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ୟା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା 32। ଏଠି 2 କୁ 2 କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଅ, କେତେ ଗଲା 16 16 16 ଯା 256, ସୋ ଆନ୍ସର୍ ହବ କେତେ 256। ତ ଡିଭିଜନ୍ ହେଲେ ଏମିତି କରିବେ। ଓ ଡିଭିଜନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ସପୋଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି କେତେ ଅଛି ନା 1/5 ଡିଭିଜନ୍, 6 ଡିଭିଜନ୍ 8, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା 1/5 × 1/6 × 1/8, ସୋ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ 1/240, 5 6 30 13 2 40। ସପୋଜ୍ ଏଠି ଅଛି 2/6 ଡିଭିଜନ୍ 3/5, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା 2/6 × 5/3, ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତାର ଡିଭିଜନ୍। ସୋ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା 10/18, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 5/9। ସୋ ଏଇଟା କିଛି ଥିଲା ଡିଭିଜନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ୍ କହୁଛି, ସପୋଜ୍ ଏଠି ଅଛି 144 1/5 ଡିଭିଜନ୍ 16, ହେଲା କି। ଏଇଟା କେମିତି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 144 1/5 ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା 144 1/5 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 16 × 1। ଓକେ, ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ 144 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 16 ହେଇପାରିବ ଇଣ୍ଟୁ 1/5 ଡିଭାଇଡ୍, ଯେଉଁ 16 ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଏଠି 16 ହେଇଯିବ। କାରଣ ଏଠି ଦେଖ 144 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 16, 1/5 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 16, ସୋ ଏଠି 1/5 ରହିଲା, 16ଟା କ'ଣ ପଳେଇଲା ଆଗକୁ ପଳେଇଲା। ସେତେବେଳେ ଗଲା ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଠି କାଟିଲେ କେତେ ହେବ 16 9 ଯା 144, ମାନେ 144କୁ 16 ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ଆମକୁ 9 ଆସିବ। ସୋ 9 ଯଦି ଆସିଲା ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବା ନା 9 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ, ହେଲା କି, ସରି 9 ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 80 ହେଇଯିବ, ହେଲା କି, 16 5 80 ହେଇଯିବ। ଇଏ ଏଠି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି, ଏଠି 9 + 1/80, ସୋ 9 + 1/80 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 9 180। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ 16ଟା କ'ଣ ହେବ ନା 5 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। ସୋ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ 16ଟା ଏଇଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲେ ପଳେଇବ 1/5 × 16, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା 16 5 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା, ହେଲା କି, କାରଣ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ 5/1 ହେଇଯିବ, ତ ଏଇଠି ହେଇଯିବ। ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା କିଛି ମଲ୍ଟି ଡିଭିଜନ୍ର। ସୋ ୟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଡେସିମାଲ ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।